तो गाइस ये कबड्डी की पहली शुरुआत हो रही है, ओपनिंग हो रही है दिलपोत में। हमारे बड़े भाई साहब रमजान जी का था, कबड्डी स्टार्ट होने वाली है। अन्ना जी नार मंगरा, बाबू जी नया गांव और सरदार साहब कालू जी, और सबसे पीछे हमारे संदेश बैट इंडिया। आप सबसे खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि खिलाड़ी दोनों ही अपने अपने कोर्ट में आके बैठ जाए। खिलाड़ी सर इधर देख सकते हो गाइस, रिबिन काटा जा रहा है सरपंच साहब से। और सलीम भाई उप सरपंच अभी हमारे बीच में थे, शायद इधर पीछे है सलीम भाई उप सरपंच नाडी। सलीम भाई पूरे उप सरपंच नाडी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो चलो ठीक। और इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए हमारे सभी महंगे मेहमान, शुभारंभ हो रहा है गाइस, स्टार्ट होने के लिए रिबन काटा जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आगाज हो चुका जोरदार तालियों से स्वागत सभी मेहमानों का। ये पहली रेड हो रही है, इधर फिरोज स्टार्ट हो चुकी है, पहली रेड नाडी की तरफ से। ओ गाइस गई गई नाडी। और ये डंडिया का इसके साथ ही पहला पॉइंट मिलता हो, ये इधर डंडिया है इधर नाडी है गाइस, और ये डंडिया का खिलाड़ी आया हुआ है इधर। तो सभी टीम कैप्टन समय का विशेष ध्यान रखें, मौसम भी थोड़ा गाइस। ये फिर से नाडी की तरफ से गया है, पर कोई भी इस रस्सी को ना पकड़े, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस रस्सी पे ना पकड़े, हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था और 10-15 दिनों से इस व्यवस्था के लिए लगे हुए, उसको खराब ना करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। अगली दोनों टीमें ग्रुप 313 वर्सेस धोड़ी घाटी, फर्स्ट कॉल वोटर टीम ग्रुप 313 वर्सेस धोड़ी घाटी। ग्राउंड पे मध्यांतर में थोड़ा छिड़काव कर दे ताकि पाउडर की ज्यादा। ओ गाइस 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 एक नाड़ी की तरफ पॉइंट हो गया गाइस, और ग्राउंड भी अच्छा रहेगा। आराम से लो, रिलैक्स हो गए बिल्कुल साहब। हमारी युवा टीम लगी हुई है, अभी क्या सुबह अच्छा पानी डाल दिया, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सुस्त है। ओ गाइस गाइस नाइस 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 गाइस, नाड़ी की तरफ एक बॉल गया। कड़क तेज धूप में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समस्त मैच की शुरुआत बहुत अच्छी होती है गाइस, और जन प्रतिनिधियों के समक्ष आप सभी की उपस्थिति में बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उड़ रही है। नाड़ी को 2 पॉइंट मिल गए गाइस, ये आरिफ गया है गाइस। अरे एक खिलाड़ी ही बोले, सिर्फ नाडी का कैप्टन ही बोले, नहीं तो एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। तो गाइस इंडिया की टीम हारती हुई, ओके चक्कर में मत रहना, एक बोल है।
एक पॉइंट मिल गया डिंडिया को। सुपर टैकल हुए और इस सुपर टैकल के साथ ही डिंडिया को मिले दो पॉइंट। थोड़ा बड़े भाई साहब सरपंच सुप्रगाटा आपका नाडी की धरती पर स्वागत वेलकम इस्तकबाल। हेलो 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 अच्छा टैकल डिंडिया की टीम। हाफ टाइम स्कोर इस प्रकार है 4-4 दोनों टीम बराबर नाडी और डिंडिया। हाफ टाइम में दोनों टीमों का स्कोर बराबर है 4-4। एक सेकंड सलीम भाई दे सर। गाइस रुक चुके हैं, दो लोटे पानी छिड़काव कर रहे हैं। लाइन वापिस डालते हुए फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ गाइस। गौरव 313 और भेलघाटी आपके लिए ये सेकंड गोल है। तुरंत दोनों ही टीमें अपने अपने किट में तुरंत पहुंच जाए कोर्ट के पास में, आपके लिए सेकंड गोल है। गौरव 313 और भेलघाटी और 5-4 डंडिया 5 नाडी 4। एक भी जिंदो गर्दन दुपासी टीम पूरी उड़ जाए। Thank you.
नहीं डाउट की तो थोड़ा चंद लग गया रिफ। और इसके साथ ही स्कोर बराबर 5-5, 5 नाडी 5 डिंगा। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ, सभी स्कूल के खिलाड़ी है और युवा है, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसीलिए स्कोर बराबर है। लास्ट 2 मिनट शेष है और स्कोर बराबर है। लास्ट 2 मिनट बाकी है और स्कोर 5-5 बराबर है। जो ये 2 मिनट का एम खेल है, इसमें जो अच्छा खेलेंगे वो ही मैच जीतेगी। खिलाड़ी अपना काम करें, चुपचाप पीछे खड़े रहे। बैटर साहब कैचर आउट, कोई भी खिलाड़ी बीच में नहीं बोलेगा। लास्ट 1 मिनट का खेल शेष है और नाडी 1 पॉइंट से आगे है। लास्ट 1 मिनट का खेल शेष है। लास्ट 1 मिनट का खेल शेष है और ये गलती भारी पड़ेगी नाडी टीम को। स्कोर बराबर 6-6, स्कोर बराबर 6-6। आरिफ क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, और ये टैकल हो गया आरिफ, और इसके साथ ये मैच समाप्त। इस मैच में डेंगा वीर अगली दोनों टीमें ग्रुप 3 से 13 वर्सेस दौड़ी घाटी। ग्रुप 3 से 13 वर्सेस दौड़ी घाटी, दोनों टीमें तुरंत ग्राउंड में रिपोर्ट करें।